दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रियल हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन अपनी आने वाली अगली फिल्म वॉर के पार्ट टू को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसको लेकर कई सारी बड़ी बड़ी जानकारियां हम लोगों के सामने आने लगी है। यानी कि भैया YRF के स्पाई वर्ल्ड के द्वारा तैयार की जा रही इस फिल्म को लेकर जो जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया इस बार का वॉर भैया पूरी इंडियन जनता आंख खोल कर देखने वाली है, क्योंकि भैया इस बार के वॉर टू में भाई ऋतिक रोशन का मुकाबला होने वाला है भैया साउथ इंडस्ट्री के रियल रियल सुपर हीरो यानी कि भाई जूनियर NTR से। तो भाई वॉर के पार्ट टू को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का एक जबरदस्त एक्शन सिक्वेंस फिल्माया जा रहा है मुंबई में, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा सेट डिजाइन किया गया है, जिसमें पहली बार जूनियर NTR और ऋतिक रोशन शूटिंग में आमने सामने आएंगे। यानी कि अभी तक वॉर के पार्ट टू को लेकर यही जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भाई इन दोनों कलाकारों के अलग अलग चंक्स को सेपरेटली शूट किया जा रहा था, लेकिन इन दोनों कलाकारों को अभी तक आमने सामने नहीं लाया गया था। लेकिन अब ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया जूनियर NTR जो है वो ऋतिक रोशन से फेस ऑफ करने के लिए तैयार हो गए हैं, 10 दिनों के शेड्यूल को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। और भाई उनके शेड्यूल को पूरा करने के लिए विले पार्ले में एक जबरदस्त सेट बनाया गया है, यानी कि भैया एक जेट विमान का सेट तैयार किया गया है, जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तैयार किया गया है। और इसी जेट विमान के अंदर पहली बार फेस ऑफ होगा ऋतिक रोशन का जूनियर NTR से, और भाई इन दोनों के बीच में जबरदस्त एक्शन सिक्वेंस होने वाला है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। यानी कि भैया ये एक्शन सिक्वेंस ऐसा होगा जिसको देख कर आप ये बात कहोगे कि भाई हिला डाला पार डाला तोड़ डाला इन दोनों कलाकारों ने। तो दोस्तों वाकई में वॉर के पार्ट टू को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है, उसको देखने के बाद हम ये बात तो आपसे जरूर कह सकते हैं कि भाई स्पाई वर्ल्ड के मेकर्स यानी कि भैया हमारे आदित्य चोपड़ा जो है ना, वो अपने स्पाई वर्ल्ड से जुड़ी हुई फिल्मों को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है, और उनके द्वारा भैया जो ये फिल्में बनाई जा रही है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की होने वाली है। तो भाई अब ऋतिक रोशन और जूनियर NTR आमने सामने आ गए हैं, तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि भैया इस फिल्म से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां हम लोगों के सामने लगातार आती रहेगी, और उन सभी जानकारियों को मैं आप लोगों को एक एक करके बताता रहूंगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया वॉर के पार्ट टू में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्या जूनियर NTR अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से ऋतिक रोशन को परेशान करेंगे, या फिर ऋतिक रोशन अपने उम्दा परफॉर्मेंस और जबरदस्त एक्शन के माध्यम से जूनियर NTR को धूल चटाएंगे वॉर के पार्ट टू में, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।